छात्र संघ चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर अजमेर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा शहर के सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इलाकों में संयुक्त रूप से रूट मार्च निकाला गया, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के साथ ही शांति व्यवस्था बनी रहे। आज पुलिस अधिकारी छवि शर्मा और रैपिड एक्शन फोर्स के एडिशनल SP प्रवीण कुमार के नेतृत्व में शहर के सेंसिटिव इलाकों में रूट मार्च निकालते हुए जायजा लिया गया। पुलिस उप अधीक्षक छवि शर्मा ने बताया कि यह रूट मार्च परिचित अभ्यास है। RAF टीम को सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इलाकों का परिचित अभ्यास करवाया गया, जिससे कि आपात स्थिति में निपटने में तुरंत एक्शन लिया जा सके। ये फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज है जो रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा की जा रही है, जिसके अंदर अजमेर पुलिस जो है सिटी पुलिस द्वारा की जा रही है। नॉर्थ साउथ दरगाह सर्कल हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो RAF की जो ये टीम है, इनको हम फैमिलराइज करा रहे हैं सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो एरियाज़ हैं अजमेर के, जिससे जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रॉम्प्ट एक्शन हो सके। इनको ऑलरेडी टोपोग्राफी, डेमोग्राफी और जो इश्यूज़ हैं माइनर और मैक्रो इश्यूज़, उनका आइडिया हो और एक्शन जो है वो इससे प्रॉम्प्ट हो सके। ये हमने अभी बस स्टैंड कवर किया है, उसके बाद हम जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, जैसे कि हाल में पीली खान, लोहा खान, क्योंकि यूनिवर्सिटी इलेक्शंस आ रहे हैं तो इमीडिएट जो इशू है वो इलेक्शंस का है, तो हम MDS यूनिवर्सिटी, GCA, DAV कवर करेंगे। इसके अलावा दरगाह एरिया कवर करेंगे, लोंगिया कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त रामगंज जो साउथ सर्कल है वहाँ पे हम दोराई कवर करेंगे। कृष्णगंज में हम चौरसिया वास ईदगाह कवर करेंगे। ये नॉर्मल रूटीन है, इट्स नॉर्मल रूटीन ओनली। ये फैमिलाइजेशन का पार्ट है। एक्चुअली में RAF इज ए पार्ट ऑफ CRPF विच इज स्पेशलाइज्ड इन कम्युनल राइट्स, या कोई भी बड़े दंगे उसको डील करने के लिए RAF बनी हुई है। ये एक ईयरली एक्सरसाइज है और जस्ट बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग लगभग 80 के स्ट्रेंथ में यहाँ पर आए हुए हैं जयपुर से। रूट मार्च जो भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हमको बताता है कि ये इलाका सेंसिटिव है, वो उसी में है। नहीं, इसमें चुनाव और छात्र संघ से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा इससे कोई रिलेशन नहीं।